हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में ही। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के सागर ऑफिशियल में। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि मैंने JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो MCQs की सीरीज चलाई, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो वो साइंस का टॉपिक है गाइज, वो टॉपिक है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गाइज, इसके ऊपर आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में आपके लिए लेके आया हूँ। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो भी भाई चैनल पर नया है तो चैनल को पहले यहाँ पे कर दो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि तभी कोई मैं ऐसे MCQ के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज, यूँ चलते हैं MCQs की तरफ। गाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस? द राइट आंसर इज पार्ट ए, मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल? द राइट आंसर इज पार्ट बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओशन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेशर, सॉरी ड्यू टू, द राइट आंसर इज पार्ट बी, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड? द राइट आंसर इज पार्ट सी, न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज हर्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज? द राइट आंसर इज पार्ट डी, डिस्पोजिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेंट स्लरी बायो वेस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग बायोगैस इज यूज एज? द राइट आंसर इज पार्ट बी, मैन्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए गुड फ्यूल शुड बी प्रोसेस्ड? द राइट आंसर इज पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर सोलर एनर्जी, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी? द राइट आंसर इज पार्ट ए, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड इज अ, द राइट आंसर इज पार्ट ए, प्राइमरी फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी? द राइट आंसर इज पार्ट सी, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉपुलर नेम ऑफ बायोगैस इज? द राइट आंसर इज पार्ट ए, गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंट्री ऑफ विंड इज, द कंट्री ऑफ विंड इज? द राइट आंसर इज पार्ट सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? द राइट आंसर इज पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट प्रेफर्ड फ्यूल इन अर्बन किचन? द राइट आंसर इज पार्ट डी, LPG. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज मोस्ट यूज्ड इन इंडिया? नेक्स्ट द आंसर, राइट आंसर इज पार्ट बी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज यूज्ड रन टर्बाइन्स इन थर्मल पावर प्लांट? द राइट आंसर इज
पार्ट बी कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ, द राइट आंसर इज पार्ट डी प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, द राइट आंसर इज पार्ट सी सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द राइट आंसर इज पार्ट बी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, द राइट आंसर इज पार्ट डी न्यूक्लियर फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइजेस ऑफ सी लेवल ड्यूरिंग द हाई टाइड इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, द राइट आंसर इज पार्ट सी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, द राइट आंसर इज पार्ट डी 931 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 ev, द राइट आंसर इज पार्ट ए 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 19 जे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट इज, द राइट आंसर इज पार्ट ए हाईली रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज, द राइट आंसर इज पार्ट बी CFL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट दैट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज, द राइट आंसर इज पार्ट बी इंफ्रारेड। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज, द राइट आंसर इज पार्ट ए मीथेन। द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन सन इज, द राइट आंसर इज पार्ट बी बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट MCQs कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे, अगर आगे की वीडियो को जरूर सबके साथ शेयर करें।